question direct aata hai, that is write about this central tendency and its types. Or central tendency includes which type of question, aise bhi ho sakta hai. Or examples of the central tendency, examples of central tendency aise bhi de sakte hain. So first aapko introduction dena hai. This is the introductory part. Ye introduction ho gaya do line ka. After introduction आपको types mention करना है, that means central tendencies में कितने varieties हैं और types हैं. तो central tendency, first of all central means आप जानते हो midpoint, tendency means बार बार जो repeatedly mid में ही आता है उसको हम बोलते हैं central tendency. So ये measure of central tendency, आप measurement कर रहे हो तो measure of central tendency describes a set of data by identifying the central position in the data set as a single value. सपोज मैंने आपको गिवन किया 1 2 3 4 5, ठीक है. विद इन दिस ये 5 वैल्यूज को फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अरेंज नहीं होगा आइदर आप असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं. आइदर असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होता है. तो यहाँ पे इजी कौन सा होगा, दैट इज असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर में करें तो ईजी होगा, मतलब जो भी आपको सेट ऑफ नंबर्स मिले, सेट ऑफ डाटास मिले, उसको आप अरेंज कर दो फ्रॉम ascending order. So sorry, through ascending order. तो ascending order से जब arranged हो जाएगा तो 1 2 3 4 5 ऐसे arranged हो गया. After that midpoint is, कौन सा midpoint है आपको पता चल गया, that is 3 is the midpoint. आपको वो पता चल गया, but यहाँ पे आप उसको locate नहीं कर सकोगे if number is very big. अगर यहाँ पे number बहुत बड़ा रहता then आप क्या करते, एक number रहेगा तो हम तो central tendency ढूंढ नहीं पाएंगे, because एक number का central tendency नहीं होता. अगर दो नंबर्स है, दो नंबर्स का भी नहीं होगा, टू और मोर नंबर्स में हम सेंट्रल टेंडेंसी चेक कर सकते हैं. ओके, सो यहाँ पे कोई भी गिवन डाटा का अगर मिड पॉइंट निकाल रहे हैं एंड मिड पॉइंट एक सिंगल वैल्यू के जैसे आ रहा है गिवन डाटाज में, देन उसको हम सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं. सेंट्रल टेंडेंसी इज द मिड पॉइंट और दैट इज द सेंट्रल पॉइंट. हो गया, जो भी डाटाज रहेगा उसका सेंट्रल पॉइंट है. हो गया, अभी सेंट्रल टेंडेंसीज में 3 मोस्ट कॉमन मेजर्स होते हैं, दैट इज हम जिसके थ्रू मेजरमेंट कर सकते हैं सेंट्रल टेंडेंसीज को. जो भी सेंट्रल टेंडेंसीज के क्वेश्चंस होंगे उसको मेजर कर सकते हैं. सो थ्री पॉइंट्स आर मीन, मीडियन, मोड. क्या क्या है मीन, मीडियन, मोड? ये क्लास 8 से लेके हम लोग पढ़ते हैं, स्टार्टिंग हो गया क्लास 6 7 8 से ही स्टार्ट हो जाता है. सो 8 टू अभी तक कंटिन्यू चल रहा है एंड बीएड में बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेंट्रल टेंडेंसी का, बिकॉज आप लोग जब एवरेज निकालते हो, सेंट्रल टेंडेंसी इज ऑल्सो नोन एज एवरेज, तो एवरेज निकालने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है. तो एवरेज ऐसे ही निकलता है, मीन एग्जैक्टली एवरेज होता है, दैट इज गिवन नंबर जितने भी होके उसको ऐड कर दो, ऐड बाय नंबर ऑफ आइटम्स जो भी रहता है उसे डिवाइड कर दो, वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज द एवरेज. एवरेज का भी वही सेम रूल है. तो वैसे हम यहाँ पे काउंट करने के लिए 3 फार्मूलाज आएंगे. 3 फार्मूलाज में 3 पार्ट्स में आएंगे. यहाँ पे बहुत सारे फार्मूलाज आएंगे अकॉर्डिंग टू ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा विद द फ्रिक्वेंसी. सॉरी, तो यहाँ पे फर्स्ट आ गया मीन. सो मीन के बाद आएगा मीडियन, देन आएगा मोड. तो आपको कैसे लिखना है, फर्स्ट तो मीन के थोड़े से इंट्रोडक्शन दे देना है, मतलब सिंगल लाइन में इंट्रोडक्शन दे दो. सिंगल लाइन एंड इंट्रोडक्शन इज एनफ, यहाँ पे एनफ हो जाएगा. आफ्टर दैट मैंने एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल जस्ट लाइक यहाँ पे स्कोर्स मैंशन है, कुछ क्रिकेटर्स का स्कोर्स मैंशन है, एक मैच है ओडीआई मैच, हम लोग बोले ओडीआई मैच में कुछ जो भी क्रिकेटर्स हैं उनके मैंने स्कोर्स दे दिए. आफ्टर दैट आपको उसमें मीन कैलकुलेट करना है, मीन कैलकुलेट करना है. तो आप कैसे करेंगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि नॉर्मली मीन कितने वेराइटीज में है. मीन ना 3 वेराइटीज के होते हैं, वन इज एरिथमेटिक मीन, अनदर वन इज अ हार्मोनिक मीन एंड लास्ट वन इज अ ज्योमेट्रिक मीन. ज्योमेट्रिक मीन इसको आप शॉर्टकट पढ़ते थे जब AM, HM एंड GM, ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है. बट हमें क्या चाहिए, ओनली मैंने बोला सिंपल वे से लिख के आना है. तो सिंपल शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आप यूज़ करोगे एरिथमेटिक मीन. हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में चलता है, एंड हार्मोनिक मीन्स ओनली एडिशन करके चलेगा, दैट इज एन नंबर ऑफ वैल्यूज तक ये प्रोसीड करता है. सो उसके अकॉर्डिंग काउंटेड होता है. तो ये हमारा मेन पर्पज है कि हम सिलेक्ट करना चाहते हैं एक ऐसा मैथड को जिसके थ्रू ईजिली हम कैलकुलेट कर सके मीन को. सो यहाँ पे देखो वैल्यूज क्या है. सपोज एक क्रिकेटर, क्रिकेटर्स का मैंने क्या किया, स्कोर्स दे दिया 5 ओडीआई मैचेस में, मतलब एक ही क्रिकेटर का मैंने स्कोर दिया है 5 डिफरेंट मैचेस का, 5 डिफरेंट मैचेस का, जस्ट लाइक T20 होता ना IPL. सो एक ही पर्सन मल्टीपल IPL गेम्स में वो पार्टिसिपेट कर सकता है, तो उसका मैंने स्कोर दे दिया. तो स्कोर्स यहाँ पे जैसे है 12 34 45 50 24. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये अरेंज नहीं है,
तो उसको आप पहले अरेंज करेंगे। अरेंज करने के लिए आप यूज क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अरेंजमेंट नहीं चाहिए, फिर भी एक सिक्वेंशियल मैप जब कर रहे हो तो स्टेप वाइज मैनर में करना चाहिए, ये आप लोग पहले से भी जानते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज द डाटा, जो भी गिवन डाटा है उसको अरेंज कर लीजिए, 12, 24, 34, 45, 50 हो गया। सो अकॉर्डिंग टू द मीन फार्मूला, मीन का फार्मूला क्या है, मीन के लिए आप यूज कर सकते हो सिंबल एक्स बार, ठीक है, एक्स बार देखो प्रोनाउंस्ड एज अ एक्स बार, एंड एक्स बार इक्वल्स टू यहाँ पे फॉर्मूला आप यूज क्या करेंगे, देखिए सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, जितने भी नंबर्स गिवन है ना उसका सम टोटल टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे कितने हो गए, 12 + 34 + 45 + 50 + 24, आपने ऑलरेडी अरेंज किया था तो 12 के बाद आप 24 लिख सकते हैं, 12 + 24 = 34, 45, 50 ऐसे। देन डिवाइडेड बाय कितने नंबर्स यहाँ पे थे, कितने मैचेस, एक क्रिकेटर ने खेला 5 matches, तो डिवाइडेड बाय 5 items, जितने भी स्कोर्स रहेंगे वो आइटम्स एज ए आइटम काउंट होंगे, एज एन आइटम काउंट होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन है 5, ठीक है। सो जितने भी गिवन होंगे, सपोज यहाँ पे मैंने 1, 2, 3, 4, 5 and 6 लिया, तो कितने हो गए 6, सो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 अप टू 6 तक होगा, डिवाइडेड बाय कितने आइटम्स हो गए 6, दैट मीन्स n इक्वल्स टू 6, तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे एंड एडिशन के बाद जो भी वैल्यू आएगा उससे डिवाइड कर दोगे, 6 से डिवाइड कर दोगे उसको, हो जाएगा आपका मीन। सो मीन आपका कैलकुलेट हो गया। तो इजीली छोटे छोटे क्वेश्चंस को लेके सॉल्व करिए, इससे आपका पेपर भी फुल होगा एंड मार्क फेचिंग भी है। एंड ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस टाइम आ चुका है, कुरुक्षेत्र बच्चे आ चुका है, सो आप ऐसे क्वेश्चन को फिर से प्रैक्टिस करके जाओ बिकॉज आने के चांसेस है अगेन। क्लियर है, मीन क्लियर, यस प्लीज बोलिए अगेन, यस यस, एक ही एग्जाम्पल लिखना है, वो एग्जाम्पल्स बिल्कुल नहीं देंगे, एग्जाम्पल एग्जाम पेपर में एग्जाम्पल्स मेंशन करने के लिए बोला जाएगा, बट कोई भी प्रॉब्लम मेंशन नहीं होगा, कोई भी डाटा गिवन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सो अपनी अकॉर्डिंग एज योर ऑन चॉइस आप ले सकते हो कुछ डाटा, सिंपल डाटा क्वेश्चन खुद से बनाना है फिर आपको सॉल्व करना है, ठीक है, खुद से सॉल्व करना है। सो आप क्वेश्चन भी लिए खुद से सॉल्व करना है, जो प्रैक्टिस किए हो वैसे करना है, इसलिए मैंने बहुत ईजी वाला क्वेश्चन दिया है, वैसे प्रैक्टिस करके जा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे, मीडियन, मीडियन मीन का बड़ा भाई है, ठीक है, याद रखना है मीडियन मीन का बड़ा भाई है, दैट इज द वैल्यू ऑफ द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, middle most observation obtained after arranging the data in ascending order, यहाँ पे particularly data को क्या करना पड़ा, ascending order में arranged करना पड़ा, after that आपको middle most observation मिल जाएगा, middle most data मिल जाएगा, यहाँ पे number मिल जाएगा, particular number, and it is called the median of the data, ठीक है। for example यहाँ पे देखिए मैं कितना छोटा छोटा example दी, consider the data 44632, तब हम बोलेंगे इसमें कितने ऑब्जर्वेशन है, 5 टोटल कितने हो गए 5, इसको पहले अरेंज कर दीजिए असेंडिंग ऑर्डर में, दैट इज छोटे से बड़े में आपको अरेंज करना है, तो 2, 3, 4, 4, 6 अरेंज हो गया। आफ्टर दैट मिडिल वैल्यू आपको पता चल जा रहा है कि यहाँ पे मिडिल वैल्यू क्या है, बिकॉज इधर से 2 हमने छोड़ दिया, इधर से 2 छोड़ दिया, तो बीच का आ गया, दैट इज द 4, बट इसका फॉर्मूला भी है, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला मेंशन नहीं किया है, तो फॉर्मूला भी आप मेंशन करके रखिए। मैं फॉर्मूला बोल रही हूँ, दैट इज ऑड एंड इवन के लिए, ऑड के लिए फर्स्ट बोलेंगे, देन इवन के लिए, इवन के लिए थोड़ा बड़ा है तो इवन के बाद जाएंगे, ऑड का पहले लिखेंगे, तो ऑड का क्या होगा, दैट इज एन प्लस 1/2, ठीक है, एन प्लस 1/2 मतलब 12th टर्म में चलेंगे, ये 12th टर्म में आता है। सो यहाँ पे देखो एन टोटल यहाँ पे कितने वैल्यूज है, दैट इज एन इक्वल्स टू आपके हो गए 5, सो 5 + 1 कर दो, 5 + 1 कर देने से कितना हो जाएगा 6, 6 डिवाइडेड बाय 2, 6 डिवाइडेड बाय 2, सो हमारे कितने टर्म्स आ गए, थर्ड टर्म, सो इसमें काउंट करिए थर्ड टर्म कौन सा है, फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, तो हमारा वैल्यू आ गया 4, ये ऑड के लिए है।
नंबर ऑफ डाटास के अकॉर्डिंग आपको ऑड एंड इवन मिल जाएगा. अगर नंबर ऑफ डाटा को काउंट करो वो ऑड आ गया तो एन प्लस वन बाई टूथ टर्म, टूथ टर्म, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिर ऐसे सो ऑन चलते रहेगा. ठीक है, तो वैसे अगर वैल्यू आ गया, दैट इज अगर इवन के लिए आता है तो क्या करोगे? इवन क्या, किसी को याद है संडे कोई क्लास अटेंड किया था? क्या था नागार्जुना बच्चे बोलो, मैंने बताया था आप लोगों को, याद है? इवन के लिए क्या होगा? दैट इज वहां पे टू पार्ट्स में होते हैं. ठीक है, एक होगा एन बाय टू, ये आप कर दिए होल ब्रैकेट टर्म, दैट इज ये फर्स्ट पार्ट एन बाय टू ट्वेल्थ टर्म प्लस, ठीक है, एन बाय टू प्लस वनथ टर्म, वनथ टर्म डिवाइडेड बाय, मतलब होल डिवाइडेड बाय टू, होल डिवाइडेड बाय टू, सो एन बाय ट्वेल्थ टर्म प्लस एन बाय टू प्लस वनथ टर्म डिवाइडेड बाय टू. अभी सॉल्व करिए, एक क्वेश्चन में मैं जैसे ऐड कर रही हूँ यहाँ पे एक डाटा, सपोज यहाँ पे मैंने सेवन ऐड कर दिया, सॉल्व करने से कितना होगा बताओ? यहाँ पे देखिए मीडियन का एक एग्जांपल लेके एन प्लस वन वन बाई ट्वेल्थ टर्म का हमने कर लिया है. ठीक है, अभी देखो यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, ये फॉर्मूला है आपका इवन का, तो इवन का यहाँ पे फिर से मैं लिख रही हूँ एन बाई ट्वेल्थ टर्म, ये ट्वेल्थ ट्वेल्थ मेंशन है, मीन्स टर्म्स आएगा, एन बाई टू प्लस वनथ टर्म, वेट वनथ टर्म, ये वनथ टर्म हो गया डिवाइडेड बाई टू. ठीक है, सो सपोज आपको गिवन डाटा है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, हो गया कितने हो गए टोटल, कितना है हमारा एन, कितना है एन इक्वल्स टू, कितना हो गया फटाफट मेंशन करिए, एन इक्वल्स टू काउंट करिए, कितने ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे, हाउ मेनी ऑब्जर्वेशन आर देयर? ओके, तो सिक्स बाई टू यहाँ पे मेंशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, एन का वैल्यू पुट करिए, सिक्स बाई टू थ्री, दैट इज द थर्ड टर्म, यहाँ पे मेंशन हो गया थर्ड टर्म, प्लस यहाँ पे कितना है एन बाई टू है, तो यहाँ पे थर्ड प्लस वन, थ्री प्लस वन हो गया फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाई टू, सो थर्ड यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, थ्री, फोर्थ यहाँ पे कौन सा आएगा, सो थ्री, पुटिंग द वैल्यू, अभी पुट करो वैल्यू को, हाँ सेवन कितना एनफ होगा आपके एग्जाम के लिए, सो हमारा वैल्यू आ गया कितना 3.5. अच्छा 3.5 वैल्यूज में तो है नहीं, सो हमारा मीडियन जो हमने काउंट किया दैट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द थ्री एंड फोर, द थर्ड एंड फोर्थ टर्म के विद इन प्रेजेंट है, तो 3.5 ऐसे हो गया, ये मीडियन, मीडियन का हो गया. देन मोड में आते हैं, मोड क्या होता है, जिसका ऑब्जर्वेशन ना जितना टाइम ज्यादा होता है, सपोज एक नंबर रिपीटेडली प्रेजेंट हो रहा है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम काउंट करते हैं कि वो मोड होगा कि नहीं, उसी से हम सेटिस्फेक्शन कर रहे हैं कि नहीं. सो सपोज देख लो फटाफट यहाँ पे, ऑब्जर्वेशन विद द मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, ऑब्जर्वेशन विद मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, तो फ्रिक्वेंसी तो ऐसे नहीं आएंगे, तो फर्स्ट हमें एक डाटा लेना है, सो डाटा में देखो क्या क्या मेंशन है, 6 8 9 3 4 6 7 6 3, ओके 6 कितने टाइम्स है, 6 कितने टाइम्स है फटाफट मेंशन करिए, 6 कितने, ओके 3 टाइम्स, यहाँ पे 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, ओके 2, 7 वन टाइम है, 9 वन टाइम है एंड 8 वन टाइम है, हो गया, एंड फोर भी आपका प्रेजेंट है वन टाइम, सो बाकी सब तो वन टाइम है, बट सिक्स देखिए कितने टाइम्स है, थ्री टाइम्स है, सो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, थ्री, फ्रीक्वेंसी हो गया थ्री, जो रिपीटेशन हो रहा है उसको फ्रीक्वेंसी आप मेंशन कर रहे, सो ये हो गया आपका मोड, मोड हो गया हमारा सिक्स, क्या हो गया यहाँ पे पूरा लिखना पड़ेगा ऐसा, द वैल्यू सिक्स अपीयर्स द मोस्ट नंबर्स ऑफ टाइम्स, ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो मोस्ट नंबर्स ऑफ टाइम्स वो प्रेजेंट है, सो दैट इसका मोड हो गया सिक्स, सो ये डाटा मे हैव नो मोड, एक हो सकता है कि कोई एक पूरा डाटा में मोड प्रेजेंट ही ना हो, या फिर एक से ज्यादा भी मोड प्रेजेंट हो सकता है,
एक मोड प्रेजेंट हो सकता है या फिर एक से ज्यादा भी हो सकता है, ये थोड़ा रेयर केसेस में है। समटाइम्स क्या होता है कि एक ग्रुप में सिक्स, सपोज एक पर्सन का नंबर है सिक्स, वैसे सिक्स 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 मल्टीपल नंबर्स हो सकते हैं, मल्टीपल पर्सन के नंबर्स हो सकते हैं, तो वो हो गया मोड। वैसे सेवन भी तो मल्टीपल हो सकता है, थ्री भी हो सकता है। सो जो नंबर रिपीटेडली प्रेजेंट होगा, जिसका फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगा, वो मोड है, हो गया। सो उसके अकॉर्डिंग अगर एक डाटा को हम क्या बोल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द मोड नंबर्स, मतलब रिपीटेड नंबर्स, ये यूनी मॉडल हो सकता है। यूनी मॉडल मीन्स सिंगल मोड रहेगा एक डाटा में। बाई मॉडल हो सकता है, तो दो मोड्स रहेंगे, ट्राई मॉडल थ्री, मल्टी मॉडल मेनी। सो ये हो गया टोटल मीन मीडियन मोड। अभी इसके ना अगेन एम्पायरिकल फॉर्मूला है, एम्पायरिकल फॉर्मूला, दैट इज द यूनिवर्सल फॉर्मूला और यूनिवर्सल रिलेशनशिप बिटवीन द मीन मीडियन मोड। ये तीन चीजों के अंदर क्या रिलेशनशिप है, डायरेक्ट उस पर जाना है। लास्टली आपको एप्लीकेशन, यूजर्स, मेरिट, डिमेरिट्स मेंशन करने हैं। ओके, सो यहाँ पे देखो क्या फॉर्मूला है, जिसको मैंने थ्री वेराइटीज में लिखा। आप जो भी वेराइटीज यूज कर सकते हो, मेरे अकॉर्डिंग ये ईजी होगा आपको, बिकॉज मोड इक्वल्स टू थ्री मीडियन माइनस टू मीन, थ्री मीडियन माइनस टू मीन। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन सॉल्व करके दीजिएगा, मैं क्वेश्चन देती हूँ आपको, मुझे नेक्स्टली सॉल्व करके मुझे सेंड करिएगा। क्या है, सपोज एक क्वेश्चन है जिसका मीन मीडियन मोड तीनों निकालना है, ठीक है। मैं डाटा दे रही हूँ आपको, गिवन डाटा है, ये रॉ डाटा है आपके लिए, दैट इज द डाटा इक्वल्स टू फाइव फाइव फाइव, ठीक है, ओनली थ्री फाइव्स हैं। सो इसका आप क्या निकालोगे, मीन, मीन निकालना है, तो मीन के लिए सिंपल एम यूज करेंगे, मोड के लिए एम जीरो और एम ओ भी मेंशन कर सकते हैं, एम ओ, मैक्सिमम टाइम पर्सन स्ट्रांगली उसको एम जीरो बोलते हैं, तो एम ओ होगा ये, एंड मीन दैट इज अ सॉरी मीडियन दैट इज एम ई। सो मीन निकालना है, मोड निकालना है, मीडियन निकालना है, ये आपका गिवन डाटा से क्वेश्चन है, ट्रिपल फाइव, तो फाइव कॉमा फाइव कॉमा फाइव, ठीक है, इसका आप मीन मीडियन मोड निकाल के मुझे देंगे। ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, दैट मीन्स इसे समझ लिया। सो आप मुझे नेक्स्टली आफ्टर क्लास मुझे सेंड करेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा लिख के रखो आप लोग, सॉल्व करके मुझे सेंड करना, ठीक है। इसी फॉर्मूला में होगा, मैंने आपको मीन का फॉर्मूला बोला है, एडिशन करना है, जितना डाटा से उसको ऐड करना है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, जितने ऑब्जर्वेशन है और नंबर ऑफ आइटम्स। मोड बोला जो रिपीटेडली आता है, रिपीटेडली आता है जिसका फ्रिक्वेंसी ज़्यादा, तो यहाँ पे तो तीन है, आपको मैंने हिंट भी दे दिया तो आपको समझ आया होगा। एंड मीडियन, मीडियन आपको क्या करना है, ये ऑड है कि इवन है, तीन डाटास है, तीन है मीन्स ऑड है, ऑड का फॉर्मूला आपको डालना है, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करके मुझे आंसर देंगे। चलो नेक्स्ट चलते हैं। सो इसका एम्पायरिकल फॉर्मूला देख लीजिए, मोड इक्वल्स टू थ्री मीडियन माइनस टू मीन। आपको अगर मीडियन पता है, मीन पता है, तो मोड आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो थ्री मीडियन माइनस टू मीन करके आप निकाल सकते हो वैल्यू, ठीक है। सो ऐसा है, अगर आप, मैंने क्यों दिया ये फॉर्मूला, आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो बार बार बोल रही हूँ कि यहाँ पे मोड का जो मैंने दिया था ना, मोड का वैल्यू, सो आप मोड, मोड का जो वैल्यू आता है वो रिपीटेड फ्रिक्वेंसी के ऊपर आता है, बट फ्रिक्वेंसी यहाँ पे काउंट करने के लिए ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो कि मल्टीपल टाइम्स जो अराइज कर रहा है उसी को हम फ्रिक्वेंसी पकड़ के सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज ये फॉर्मूला आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं मोड के लिए। फर्स्ट तो आप मीडियन निकालेंगे, आफ्टर दैट मीन निकालेंगे, उसके बाद ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। ओके, सो वैसे ही यहाँ पे अगर चेंज कर देते हैं तो इसका वैल्यू सिर्फ हम चेंज करें, पोजिशन शिफ्ट करा रहे कि मीडियन इक्वल्स टू क्या होता, मोड प्लस टू बाई थ्री मीन माइनस मोड, और मीन इक्वल्स टू मोड प्लस थ्री बाई टू मीडियन माइनस मोड। तो आपको ये थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा बिकॉज रिमेंबर नहीं रहता ये, सो मैक्सिमम टाइम बच्चे यही करते हैं। तो एम्पायरिकल फॉर्मूला ये है एंड मस्ट इसको देना है, ठीक है। इसके बाद आपको डायरेक्टली जाना है मेरिट्स ऑफ एरिथमेटिक मीन, बिकॉज हम मीन में सबसे इम्पॉर्टेंस एरिथमेटिक मीन को ही ले रहे थे एवरेज काउंट करने के लिए। सो एरिथमेटिक मीन मैंने बहुत सारे डाटा दे दिया है, ऑलमोस्ट सेवन पॉइंट्स हैं, जो इसमें ईजी लगे कंपेरिजन करके पढ़िएगा, एंड स्टडी जो भी हो रहा है कंपेरिजन मस्ट चाहिए, तभी जाके ये क्वेश्चन याद रहेगा। सो एरिथमेटिक मीन में रिजिडली डिफाइंड बाई एल्जेब्रिक फार्मूला, एरिथमेटिक मीन रिजिडली डिफाइंड बाई एल्जेब्रिक फार्मूला, यहाँ पर फार्मूला चाहिए। नॉर्मली गिवन डाटा
जो भी है सम ऑफ द गिवन डाटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, तो ये हो गया रिजिड एल्जेब्रिक फॉर्मूला. इट इज इजी टू कैलकुलेट द कैलकुलेट एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड. आप लोग इजीली समझ लिए तो इजी टू अंडरस्टैंड. इट इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन. आप बोलो अभी जैसे कैलकुलेट कर रहे थे सबको ऐड करना पड़ा कि नहीं, सारे डाटास को जितने भी गिवन डाटास हैं उसको हम ऐड कर रहे हैं, एडिशन करने के बाद नंबर ऑफ आइटम्स से डिवाइड करें. सो ऑल ऑब्जर्वेशंस आर इक्वल, इक्वली इम्पॉर्टेंट. सो जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है. अच्छा, इट इज कैपेबल ऑफ बींग ट्रीटेड मैथमेटिकली. बस ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए भी यूज होता है, मैथमेटिक्स में भी यूज होता है. एरिथमेटिक मीन को हम कॉम्प्यूटेड कर सकते हैं जस्ट लाइक एवरेज. हर एक जगह में काउंट होता है, इन एवरी फील्ड यू कैन कैलकुलेट एवरेज. सो एवरेज काउंट करने के लिए आप इसको यूज करते हैं. एंड इट इज लिस्ट अफेक्टेड बाय द फ्लक्चुएशन ऑफ द सैम्पलिंग. अगर हम सैम्पल्स को या जो भी गिवन डाटा से उसको हम चेंज कर देते हैं तो इसको कोई इन्फ्लुएंस होगा क्या या फिर फ्लक्चुएशंस कोई इन्फ्लुएंस करेगा क्या? नहीं, जो भी डाटाज रहे उसके अकॉर्डिंग हम मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं. वो मे बी पॉइंट्स में हो, फ्रैक्शंस में हो, जैसे भी रहे हम कैलकुलेट कर सकते हैं. सो ये पॉइंट्स है, इसमें से आप ओनली 3-4 को मेंशन करेंगे, सारा मेंशन नहीं करना है आपको. वैसे यहाँ पे डीमेरिट्स है, इट कैन नाइदर बी डिटरमिन बाय द इंस्पेक्शन और बाय ग्राफिकल लोकेशन. ग्राफिकल लोकेशन से नहीं होगा, आप हिस्टोग्राम्स में पाई चार्ट्स में इसको लोकेट नहीं कर सकते प्रॉपरली. ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है आपको उसमें प्रेजेंट करने के लिए. या फिर इंस्पेक्शन दैट इज बाय ऑब्जर्विंग डाटाज, ऐसे नहीं कर सकते. फॉर्मुलेट ही करना पड़ेगा, कंप्यूटिंग करना पड़ेगा, मैथमेटिकल वे से कैलकुलेशन करना पड़ेगा. एरिथमेटिक मीन कैन नॉट बी कंप्यूटेड फॉर क्वालिटेटिव डाटा. क्वालिटेटिव डाटा के लिए ये नहीं है, ये क्वांटिटेटिव है. मेजरमेंट हो रहा ना, क्वांटिटी में ही होगा. जस्ट लाइक स्कोर्स हो गए या फिर केजीज हो गए, मतलब केजीज में कोई वेट का हमने मेंशन किया है, नंबर ऑफ पर्संस का वेट हमने मेंशन किया है, या फिर नंबर ऑफ आपके जितने भी आइटम्स हैं आपके पास उसके अकॉर्डिंग हो सकता है. जो आइटम्स आपके पास है गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो. बट ये क्वांटिटेटिव हो सकता है, क्वालिटेटिव नहीं हो सकता. जस्ट लाइक आप किसी के ऑनेस्टी को, इंटेलिजेंस को, स्मोकिंग हैबिट को एट्सेट्रा, ये सबको काउंट नहीं कर सकते. इट इज़ टू मच अफेक्टेड बाई द एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस. जितने भी इसके लास्ट पॉइंट तक भी ऑब्जर्वेशंस है ना, सबके ऊपर ये डिपेंडेंट है, सबके ऊपर डिपेंडेंट है. जस्ट लाइक जितने भी डाटा से ऑब्जर्वेशन से इक्वली इंपॉर्टेंट है, पहले भी कर चुके हैं. तो ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि एवरी पॉइंट्स में से एक डाटा को अगर मैं नेग्लेक्ट कर दूं फिर भी मेरा आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा. एरिथमेटिक मीन कैन नॉट बी कंप्यूटेड व्हेन क्लास इंटरवल्स हैव ओपन एंड्स. ये क्लास इंटरवल्स का है, ये पॉइंट आप स्किप कर सकते हो बिकॉज क्लास इंटरवल्स में जस्ट लाइक बचपन में पढ़ते थे हम लोग 0-5 और 0-10, 10-20, 20-30. ये जब ओपन एंडेड रहता है तो इसको हम इजीली सॉल्व नहीं कर पाते बिकॉज इसका फॉर्मूला बहुत ही बड़ा हो जाता है. सो ऐसे पॉइंट्स हैं, इसमें से 2-3 पॉइंट्स आप मेंशन करेंगे. देन नेक्स्ट चलते हैं, आपको मीडियन का मैरिट डिमेरिट करना है. अगेन अगर ये पार्ट भी नहीं हुआ तो उसका भी सोल्यूशन है मेरे पास, इसमें ही मैंने उसका सोल्यूशन दिया है. अगर मैरिट डिमेरिट आपको याद नहीं रहा है तो आप एप्लीकेशंस लिख सकते हो जो कि नेक्स्ट पार्ट में मेंशन होगा. सो इसका मैरिट देखिए, इट इज इजी टू कंप्यूट एंड अंडरस्टैंड. इसको कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं. मीडियन मैंने बोला, मिडिल पार्ट, सो आपको एन प्लस 1 बाय 12th टर्म फॉर ऑड नंबर, इवन नंबर के लिए एन बाय 2 मतलब एन बाय 12th टर्म प्लस एन बाय 2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं इवन के लिए. सो इजी टू अंडरस्टैंड है, इट इज वेल डिफाइंड. एन आइडियल एवरेज शुड बी, मतलब इससे ना क्या होता है ना, एक परफेक्ट एवरेज निकल के आता है, ऐसा है. इट कैन ऑल्सो बी कंप्यूटेड इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्लास इंटरवल विद ओपन एंडिंग, ये सब में यूज हो सकता है. इट इज नॉट इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, मतलब इसके जो मिडिल पार्ट्स में जो वैल्यूज है या फिर लास्ट पॉइंट में जो वैल्यूज है ना, उससे ये ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता. मतलब वो जो भी रहे, जितना भी बड़ा वैल्यू रहे, हमें कोई मतलब नहीं, हमें नंबर ऑफ आइटम्स से ही मतलब रहता है. तो उसके अकॉर्डिंग एक्सट्रीम वैल्यूज इसको इन्फ्लुएंस नहीं करते. इट कैन बी डिटरमिंड ग्राफिकली, इसको आप प्लॉट कर सकते हो ग्राफ्स में या फिर हिस्टोग्राम्स में, पाई चार्ट्स में या फिर बार ग्राफ्स में प्रेजेंट कर सकते हैं. इट इज़ प्रॉपर एवरेज फॉर द क्वालिटेटिव डाटा व्हेयर द आइटम्स आर नॉट मेजर्ड.
बट आर स्कोर्ड, मतलब यहाँ पे ना आप क्वालिटेटिव के लिए कर सकते हो, दैट इज आपका क्वालिटी है, जस्ट लाइक इंटेलिजेंस हो गया या ब्यूटी हो गया, या फिर जस्ट लाइक मॉडलिंग में जो आपका एवरेज काउंट्स होता है, या फिर मॉडलिंग में भी सेम मीडियन का ही फॉर्मूला यूज किया जाता है, जस्ट लाइक हम स्कोरिंग प्रोवाइड करते हैं. सो हम क्वालिटी को यहाँ पे जज करें बाई स्कोरिंग, नॉट मेजरमेंट, यहाँ पे बाई स्कोरिंग. ठीक है, हम क्वालिटी को, सपोज आपका इंटेलिजेंस को हमने जज किया, तो आईक्यू लेवल एक आता है, वहाँ पे भी इंटरवल्स आते हैं कि इतना से इतना के अंदर बच्चा इस ग्रुप में रहेगा, मोरोन इतने से इतने में है, डम सॉरी दैट इज अ डम, डम इतने से इतने में है, और हाईली जो भी इंटेलिजेंट है दैट इज बिलो, और बिलो 120 सॉरी बिलो 140 एंड अबव 120, ये जो रेंज रहा ये हाईली इंटेलिजेंट पर्सन है और गिफ्टेड चिल्ड्रन है, तो ये उस ग्रुप पे रहेंगे. तो वैसे जो एक रेंज आ जाता है, जब रेंज का बात आता है देन मीडियंस को हम यूज करते हैं. ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं, डीमेरिट्स क्या है इसका. फॉर कंप्यूटिंग मीडियन डाटा नीड्स टू बी अरेंज्ड, ये बहुत अच्छा चीज़ भी है हमारे लिए कि हम अरेंज करते हैं, बट समटाइम्स ये होता है ना अरेंजमेंट के लिए भी टाइम नहीं है, क्विक जहाँ पे करना पड़ता है, दैट इज ओनली आपको कुछ मेंशन है कि पर क्वेश्चन के लिए आप 1 मिनट यूज़ करते हो, तो पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 मिनट इज़ नॉट सफिशियंट. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर आ गए तो आपको 1 मिनट सफिशियंट नहीं लगता है, एनफ नहीं लगते, तो उस पॉइंट में ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करना, आफ्टर दैट कैलकुलेट करना, ये डिफिकल्ट होता है. इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन दी ऑल ऑब्जर्वेशंस, ये डिपेंड नहीं करता है. इट कैन नॉट बी गिवन फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट, मतलब इसके थ्रू मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं ऐसा नहीं है. बहुत सारे अल्जेब्रिक जो क्वेश्चन हैं, ट्रीटमेंट्स में अल्जेब्रिक क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है. यहाँ पे इट इज़ होगा, सॉरी यहाँ पे मैंने बहुत ही फास्ट वे से लिखा है, तो इट ई हो गया, इट इज़. इट इज़ अफेक्टेड बाई फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग, सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से ये इन्फ्लुएंस्ड होता है. सिमिलरली आप जो मैंशन किए थे मीन में वैसे ही. इट इज़ प्रॉपर एवरेज फॉर द क्वालिटेटिव डाटा, सो ये तो ऑलरेडी कर चुके हैं. क्वालिटेटिव डाटा के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, बट मीन को आप यूज़ नहीं कर सकते. मीन इज़ नॉट यूज फॉर द क्वालिटेटिव डाटा, इट इज़ ओनली यूज फॉर द क्वान्टिटेटिव डाटा, मेजरमेंट. ठीक है, समझ आया, ये सुन लो, क्लियर है. ओके चलो, मेरिट्स ऑफ मोड, मेरिट्स ऑफ मोड, मोड का मेरिट्स क्या है. अभी तो मोड बहुत ईजी लग रहा था, इसका बहुत बड़ा भी फॉर्मूला है, अगेन फ्रीक्वेंसी बेस्ड है. एक गिवन डाटा होगा वहाँ पे सिलेक्ट करना, उससे अबव फ्रीक्वेंसी, बिलो फ्रीक्वेंसी, एक मॉडल क्लास होगा, मॉडल क्लास के अकॉर्डिंग उसके अबव फ्रीक्वेंसी, उसके बिलो फ्रीक्वेंसी को लेके सॉल्व किया जाता है. तो उतना नहीं चाहिए, क्लास इंटरवल का फॉर्मूला है वो नहीं चाहिए हमें, हमें सॉल्यूशन देना है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ओनली. सो इट इज रीडिली रेडिली कम्प्रीहेंसिबल, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड मैनर पे यूज होगा, ईजी टू कम्प्यूट, इसको भी हम ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं. इन सम केसेस ये क्या होता है देखो, इन सम केसेस इट कैन बी कम्प्यूटेड मेयरली, यहाँ पे मेयरली को मैंने मेयरली लिख दिया, मेयरली होगा मेयरली बाय द इंस्पेक्शन. सो कुछ जगह पे आप एनालिसिस और इंस्पेक्शन का प्रोसीज्योर यूज कर सकते हैं मोड को सिलेक्ट करने के लिए. अच्छा, सपोज गिवन डाटा था आपको, मैंने दिया था 6666, ऐसे कुछ मेंशन हो गया 2 2 2 4 4 4, तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करेंगे, बाय ऑब्जर्वेशन आप सिलेक्ट करो कि ये मल्टीपल टाइम्स है, सो दिस इज द मॉडल ग्रुप, एंड उसमें से आपने सिलेक्ट किया दिस इज द मोड, ये इस पूरे गिवन डाटा का मोड है, बिकॉज नंबर ऑफ जो फ्रीक्वेंसी है इसका ज्यादा है, सो मोर फ्रीक्वेंसी दिस इज अ मॉडल क्लास और द मॉडल ग्रुप, आफ्टर दैट सिलेक्ट वन नंबर फ्रॉम दैट मॉडल ग्रुप फॉर मोड. सो ऐसा मेंशन हुआ था, सो इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज. अगेन आपको मैं एक क्विक डिसेप्शन के लिए बोल दूं, दैट इज मीडियन का जो जो आपने मैरिट्स दिखा था ना, सारा मैरिट्स यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, तो उसी को आप फिर से लिख दो, हो जाएगा. ठीक है, उसी को आप सेम लिख दो, मीडियन में आपको इंस्पेक्शन चाहिए, इसमें भी आपको इंस्पेक्शन चाहिए, एक्सट्रीम वैल्यूज वहाँ पे आपको इफेक्ट नहीं कर रहे थे, यहाँ पे भी इफेक्ट नहीं कर रहे. इट कैन बी ऑब्टेंड इवन इफ द एक्सट्रीम वैल्यूज आर नॉट नोन, अगर एक्सट्रीम वैल्यूज पता भी नहीं है फिर भी हम कैलकुलेट कर सकते, उसमें भी सेम था. ठीक है, मोड कैन बी डिटरमिन इन द डिस्ट्रीब्यूशन विद द ओपन क्लास, उसमें भी ओपन क्लास में डिस्ट्रीब्यूशन से हम जान पाते हैं. सो मोड कैन बी लोकेटेड ऑन ग्राफ ऑल्सो, जस्ट लाइक
मीडियन, वहाँ पे भी ग्राफ आप यूज़ कर सकते हो, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दे सकते हो मोड के जो भी डाटा हैं उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, नेक्स्टली है डीमेरिट्स। इट इज़ इल डिफाइंड, दैट मीन्स समटाइम्स ये रॉन्ग होता है, कुछ कुछ क्वेश्चंस के लिए रॉन्गली डिफाइंड होता है। इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू फाइंड क्लियरली डिफाइंड मोड, समटाइम्स रॉन्ग भी हो सकता है ना। अगर सपोज क्वेश्चन और आपका जो सेटअप डाटास रहेगा वो पॉइंट में आ गया या फ्रैक्शन में आ गया तो रॉन्गली मेंशन होगा, बिकॉज मोड वहाँ पे हम सिलेक्ट नहीं कर सकते। इन सम केसेस वी मे कम अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूशन विद द टू मोड्स, हमने देखा था बाई मोडल है, मल्टी मोडल है, ये सारे मेंशन किया था। ओके, सो ये डीमेरिट्स हैं कि समटाइम्स क्या होता है कि दो से ज़्यादा भी मोड्स आ सकते हैं या फिर वन से ज़्यादा भी मोड्स आ सकते हैं। नंबर्स, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, तो ये एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देगा बिकॉज ये सारे ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करा। मोड कैन बी कैलकुलेटेड बाई वेरियस फार्मूला, मैंने जैसे बोला था फार्मूला नहीं होगा, मल्टीपल फार्मूला है तो फॉर्मूली, एज सच द वैल्यू मे डिफर फ्रॉम वन अनदर। सो फार्मूला का जो वैल्यूज है ऐसा है ना, मोड आपने सिंपल फार्मूला में यूज किया, सो जो वैल्यू आया मे बी उसको हम कैलकुलेट करें डिफरेंट मोड के फार्मूला से, उसका वैल्यू डिफरेंट आएगा। सो मोड्स का वैल्यूज चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ फॉर्मूले। सो जैसे आप फॉर्मूले यूज करेंगे उसी के अकॉर्डिंग वैल्यूज चेंज होगा मोड का। ये सबसे डिफरेंट है, दैट मीन्स मीन एंड मीडियन से इसको डिफरेंट करता है, मोड को डिफरेंट करता है। सो इट इज अफेक्टेड टू ए ग्रेटर एक्सटेंट बाय द फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग, अगर सैम्पलिंग में फ्लक्चुएशन आता है तो ये इफेक्ट होगा। ओके, अच्छा, तो ये पॉइंट्स अगेन देखिए, दैट इज द एप्लीकेशन, मैंने बोला था ना सेकंड पार्ट आ रहा है, अगर वो याद नहीं रहा तो इसको याद कर सकते हैं। सो एप्लीकेशन से यूज ऑफ मींस, इसको ओनली सिंगल लाइन में मैंने लिखा, दैट इज इट हेल्प टीचर टू सी द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। इट इज यूज इन द फैक्ट्रीज फॉर द अथॉरिटीज टू रिकोगनाइज वेदर द बेनिफिट्स ऑफ द वर्कर इज कंटिन्यूड और नॉट, सारे वर्कर्स काम करे कि नहीं देख सकते हैं। इजीली इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो एंड कंपेयर भी कर सकते हो, बिकॉज एवरेज पॉइंट आ रहा है ना, एवरेज से बच्चे या फिर वर्कर्स कितने काम किए उसके अकॉर्डिंग सैलराइज कर सकते हो, मतलब सैलरी दे सकते हैं। टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ एनी थिंग, जो कार्स के स्पीड्स आते हैं ना, दैट इज द आप स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम करके निकालते हो, उसका भी एक एवरेज स्पीड इससे कैलकुलेट हो जाएगा। यूजिंग दिस द फैमिली कुड बैलेंस देयर एक्सपेंसेस विद देयर एवरेज इनकम, सो एक आपका टोटल इनकम है उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको हर मंथ पे या पर मंथ पे कितना खर्चा होता है हर एक पॉइंट पे। सो एवरी फील्ड में कितना खर्चा होता है उसके अकॉर्डिंग एक एवरेज पॉइंट्स भी यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स हैं मीन के लिए। वैसे ही एप्लीकेशंस और यूजर्स ऑफ मीन्स बहुत सारे हैं, मैंने डबल दे दिया बिकॉज यहाँ पे ये पॉइंट को सेपरेट करना पड़ा था, पेजेस बहुत लेंदी हो गए तो इसके अकॉर्डिंग सेपरेट करना पड़ा तो डबल टाइम आ गया, रिपीट हो गया। ओके, एप्लीकेशंस ऑफ मीडियन, तो इट इज़ यूज टू मेजर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग, आपका अर्निंग कितना है एंड आप कौन से पॉइंट पे कैसे कैसे यूज कर, जस्ट लाइक इन एजुकेशन आपने इतना सेपरेट करके रखा, आप अपने घर के एक्सपेंसेस के लिए इतना रख रहे हो, वेजिटेबल्स और ग्रोसरी शॉप के लिए आपने इतना रखा, अपने क्लॉथ्स के लिए इतना रख रहे हो, सो ये अर्निंग पॉइंट पे है। यूज टू फाइंड द प्लेयर्स हाइट, ये प्लेयर्स के हाइट को भी मेजर करने के लिए या फिर एवरेज हाइट को मेजर करने के लिए इसको आप कर सकते हो। टू फाइंड द मिडिल एज फ्रॉम द क्लास स्टूडेंट्स, सो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं उसमें से मिडिल एज या फिर वेट कैलकुलेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। ऑल्सो यूज टू फाइंड द पॉवर्टी लाइन, जो बीपीएल सिस्टम्स में जो बिलो पॉवर्टी लाइन्स में आते हैं ना लोग, उसको भी हम इसी पॉइंट से सपोज एक एवरेज पॉइंट निकालें एंड उसी पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर इससे अबव गए तो ये अबव पॉवर्टी लाइन है एंड जो नीचे आए तो बिलो पॉवर्टी लाइन, ऐसे कैलकुलेट होता है। एप्लीकेशन ऑफ मोड है, इट इज यूज टू इनफ्लक्स ऑफ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, दैट इज कितने पब्लिक ट्रांसपोर्ट एट ए टाइम जा रहे हैं एक रोड पे, उसको देख सकते हैं, उसको काउंट करने के लिए यूज किया जाता है। द नंबर ऑफ गेम्स सक्सीडेड बाई एनी टीम ऑफ द प्लेयर्स, ये T20 और IPL में इसको यूज करते हैं कि मल्टीपल बैचेस में गेम्स चल रहे हैं एंड एक टीम कितने बार जीतता है एक पूरे टोटल IPL के सेशन में और सीजन में।
द फ्रीक्वेंसी ऑफ द नीड ऑफ द इन्फांट्स, बच्चों का नीड कितना है, कितना रिपीटेडली मोड पे उसको नीड रहता है, उसके ऊपर भी डिपेंड है. यूज टू फाइंड द नंबर ऑफ मोड इज ऑल्सो सीन इन कैलकुलेशन ऑफ द वेजेस. जस्ट लाइक आप वेज खरीदते हो या फिर कोई भी कचरा ऐसा होता है ना, जस्ट लाइक आप उसको खरीद तो लेते हो बट वो आपके कोई भी यूज में नहीं आता, उसको फेंक देते हो वेजेस बोल के. तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स हैं जिसको आप यूज नहीं करके फेंकते हो, या फिर ऐसे भी कुछ क्लॉथ्स होते हैं आपको पसंद आया, आप खरीद लाए हो एंड रख दिए. सो वैसे मल्टीपल थिंग्स आपके घर में मिल जाएंगे, उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड इन द पेशेंट गोइंग टू हॉस्पिटल्स, द मोड ऑफ ट्रेवल्स एटसेट्रा. ठीक है, अगर सपोज मेरिट डिमेरिट्स पार्ट को आप नहीं कर सके तो इस पार्ट को आप यूज कर सकते हो, क्योंकि एनीवन, जस्ट लाइक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको एग्जांपल्स चाहिए तो आप यूज कर सकते हो. अभी देखो रेंज क्या है, रेंज बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है, दैट इज हाफ मार्क क्वेश्चन बोल सकते हैं. रेंज कभी भी लॉन्ग या शॉर्ट में नहीं आता, वो एट अ टाइम मीन मीडियन मोड के साथ आएगा. अदरवाइज मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, क्वार्टाइल डेविएशन, एवरेज डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ ही आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा. सो रेंज मीन्स होता है ना, जस्ट लाइक एक रेंज अगर कैलकुलेट करना तो आपको दो पॉइंट जानना पड़ता है, दैट इज द हाइस्ट वैल्यू एंड द लोएस्ट वैल्यू. सपोज आपको मैंने एक एग्जाम्पल दिया 4, 6, 9, 3, 7, तो इसका पहले अरेंजमेंट कर दीजिए. अरेंजमेंट असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, दैट इज 3, 4, 6, 9 and 7. हाइस्ट वन इज द 7, दिस वन इज द हाइस्ट, हाइस्ट के लिए मैंने एच यूज किया, एंड लोएस्ट वन इज द 3. सो आप अभी क्या करेंगे, ओके यहाँ पे 9 था, सॉरी. सो यहाँ पे लास्ट में 9 आएगा, ये 9 होगा. सो हाइस्ट वन इज द 9 एंड लोएस्ट वन इज द 3. सो आप उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे ओनली हाइस्ट टू लोएस्ट, दैट मीन्स हाइस्ट माइनस लोएस्ट वैल्यू इक्वल्स टू रेंज. सो यहाँ पे 9 - 3 = 6, 6 इज द रेंज. ठीक है, इतना हो जाएगा, याद रहा.